हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी। तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ की विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में इस पार्ट को समझे थे, तो ये बहुत ही अच्छा वीडियो है। अगर जो आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे चैनल में जाइए, प्ले लिस्ट बना हुआ है क्लास नाइन्थ का, वहाँ आप लोग आसानी से फ्री में हिंदी माध्यम में देख सकते हैं टोटल वीडियो। एक तो आप लोग जल्दी से अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि वो भी फ्री वीडियो क्लास का फ़ायदा उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ, बनाता हूँ, तो आपके पास तक उस वीडियो की सूचना नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आप लोगों के अभ्यास का पहला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। अभ्यास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। किस में दिया हुआ है? केल्विन में दिया हुआ है। के का मतलब क्या होता है? के का मतलब होता है केल्विन। ये भी एक तापमान नापने की इकाई होती है, तो केल्विन में दिया हुआ है, उसको सेल्सियस में चेंज करना। तो चलिए हम आपको बता देते हैं पहले चेंज कैसे किया जाता है। हाँ, एक बात और बता दें कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, बहुत ही अच्छा वीडियो होगा, आपको टोटल पार्ट समझ में आ जाएगा। अगर जो पूरा वीडियो देख लेते हैं एक बार, तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए आपके बुक में ही दिया हुआ है। क्या दिया है कि 0 डिग्री जो सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस का मान कितना होता है? 273 डिग्री केल्विन होता है। तो अगर जो किसी भी तापमान के मान को केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना है, तो क्या करना होता है? सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए दिए हुए तापमान में 273 जोड़ना चाहिए। और जब केल्विन से सेल्सियस में चेंज किया जाता है, तो 273 घटाया जाता है। जैसे अगर जो केल्विन का मान दिया हुआ है, तो आप कौन सा सूत्र लगाएंगे? देखिए आप लोग सूत्र लगाएँ, सेल्सियस बराबर क्या होता है? केल्विन माइनस 273। ठीक, तो यहाँ पास आप लोग क्या रख देंगे? केल्विन का मान रख देंगे, तो आपका सेल्सियस का मान आ जाएगा। तो देखिए आपके प्रश्न में कितना दिया हुआ है? 300 डिग्री केल्विन दिया हुआ है, और 300 डिग्री केल्विन है जो, थोड़ा सीरियस करते हैं, सेल्सियस बराबर 300 डिग्री केल्विन का मान लिखिए, 300 डिग्री केल्विन माइनस 273 डिग्री। तो आपके सेल्सियस का मान कितना आ जाएगा? आपके सेल्सियस का मान आएगा, जब हम लोग घटाएंगे तो आ जाएगा 7 इधर और 280 हुआ, तो आपका आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। यही आपका क्या होगा? पहले प्रश्न के पहले ए नंबर का आंसर हो जाएगा। देखिए एक तरह से और आपको समझा देते हैं। क्या दिया हुआ है आपको, ये आप नोट कर लीजिए वीडियो को रोक के। अब देखिए क्या दिया हुआ है, 300 डिग्री केल्विन दिया हुआ है। ठीक, मान लीजिए प्रश्न आपके दिया है, तो इसमें जो 273 डिग्री है, तो 273 डिग्री केल्विन का मान कितना होता है? 273 डिग्री केल्विन का मान होता है, डिग्री केल्विन का मान होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो 273 तक तो बिल्कुल जीरो है, इसका मान क्या है? 273 तक तो जीरो है। अब जो 273 के बाद जो 27 बचता है, क्या बचता है? 27 ना बचता है 300 में, जब 273 घटा देते हैं, तो वही आ जाएगा आपका सेल्सियस, है ना? तो आप इसी तरह से समझ सकते हैं, 273 तक जीरो है, फिर उसके बाद एक एक बढ़ने लगा, 1, 2, 3 27 तक जाएगा, और 27 तक जाने में क्या हो जाएगा? 300 कंप्लीट हो जाएगा। तो हमको 300 केल्विन डिग्री केल्विन का मान याद करना, 300 डिग्री केल्विन का मान आपका हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। पहला का बी नंबर क्या दिया हुआ है? पहला का बी नंबर दिया है 573 केल्विन। तो हम आपको सूत्र बताए थे कि सेल्सियस निकालने के लिए आपको केल्विन में केल्विन माइनस 273 करना होता है। केल्विन का मान रखेंगे, उसमें क्या करेंगे? 273 घटा देंगे, तो 573 में क्या घटाएंगे? 273 घटा देंगे, तो आपका सेल्सियस का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 200 इसको जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 300 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि अभी हमको बताया ना, 273 तक तो जीरो है, उसके बाद जो जितनी संख्या बचती है वही होता है सेल्सियस का मान होता है। तो आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए। अब देखिए सेल्सियस में दिया हुआ है, तो सेल्सियस में उसको केल्विन बदलना है। तो देखिए सेल्सियस में केल्विन बदलने के लिए आपका फार्मूला क्या होता है? केल्विन इक्वल टू होता है सेल्सियस प्लस 273। उसी वाले फार्मूले से ये बन के आया है, सेल्सियस प्लस 273 जोड़ देंगे तो केल्विन का मान ज्ञात हो जाएगा। ये के लिखा हुआ है, तो चलिए ए नंबर का मान हम लोग याद करते हैं। इस फार्मूले को आप लोग लिख लीजिए और याद कर लीजिए। तो ए कितना दिया हुआ? ए नंबर दिया हुआ है 25
डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस में हम लोग 273 जोड़ देंगे, 273 तो आपका देखिए जोड़ने में कितना आ जाएगा, 273 जोड़ेंगे तो इस वाले तीन में पाँच कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 8 हो जाएगा, इकाई में इकाई जुड़ा, ये 8 है, उसके बाद 8, उसके बाद देखिए 8 में इस 2 में ये 7 जुड़ जाएगा तो 9 हो जाएगा, और वो 2 है 298 डिग्री केल्विन हो जाएगा फर्स्ट वाले का आपका मान। तो पहले का उत्तर कितना आ गया, 298 डिग्री केल्विन। इसी तरह से दूसरे वाले में जब हम लोग करेंगे बी नंबर में क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे 273 जोड़ देंगे, जब 273 जोड़ देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये सेल्सियस में है तो केल्विन में हो जाएगा, सेल्सियस में सी लिखा हुआ है अर्थात सेल्सियस में है, सी का मान क्या होता है सेल्सियस के अर्थ होता है केल्विन, तो आप लोग समझ लीजिए। तो इसको जोड़ देंगे, 3 में 3 जुड़ेगा 6 हो जाएगा, उसके बाद दहाई वाली संख्या दहाई जुड़ेगी 7 × 7 = 14 = 4 हासिल आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 3 × 2 = 5 = 6 646 डिग्री केल्विन आ गया। अगर जोड़ने में कुछ भी गलती हो गई हो तो आप लोग देख लीजिएगा, है तो सही एकदम से 646 डिग्री केल्विन आ रहा है, देख लीजिए आप, इसका बी नंबर का आंसर हो जाएगा ये। तो हम क्या किए हैं, हम इसी फार्मूले में जो आपको बताया है सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन प्लस 273 में रख दिए तो आंसर आ गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तो प्यारे बच्चों थर्ड नंबर क्वेश्चन तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखिए, इनका जो नीचे प्रश्न दिए उनको कारण लिखना है। फर्स्ट नंबर देखिए ए नंबर, नेप्थिलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है, अर्थात कुछ भी अवशेष नहीं छोड़ता है वह अदृश्य हो जाता है, वह उड़ जाता है, तो इसका कारण क्या है देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर कारण देखिए, नेप्थिलीन एक वाष्पशील ठोस पदार्थ है जो ठोस से द्रव अवस्था में आए बिना ही गैस में बदल जाता है, जिसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। वह पदार्थ जो ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। वेरी मोस्ट एक डिफिनेशन है, आप लोग इसको अपने किसी दूसरे नोट्स में बना के लिख लीजिए, ऐसी मोस्ट मोस्ट चीज़ों को आप नोट में लिखते चलिए, आगे चल के बहुत ही काम आएंगे। इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। अतः कुछ समय बाद यह ठोस पदार्थ छोड़े बिना हवा में वाष्प बनकर उड़ जाता है, तथा कुछ भी अवशेष नहीं छोड़ता, वह सीधे गोलियों के रूप में रहता है वाइट कलर की, वह सीधे ही वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है। ठीक, जिस तरह से आप लोग देखते होंगे बर्फ़ को जब गर्म किया जाता है पहले वो क्या बनता है, जल में परिवर्तित होता है, द्रव अर्थात द्रव हो जाता है, और द्रव के बाद देखिए द्रव के बाद क्या हो जाता है, द्रव के बाद वो डायरेक्ट गैस में जब ज़्यादा गर्म किया जाता है वो वाष्पीकृत होकर गैस बन के उड़ता है। तो इसमें तीनों प्रक्रियाएं होती हैं, पहले ठोस होता है, फिर द्रव होता है, फिर गैस होता है। लेकिन कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो सीधे ठोस से द्रव में गैस में परिवर्तित हो जाते हैं और वो उस स्थान से उड़ जाते हैं और कुछ भी अवशेष नहीं छोड़ते हैं, उनको उस क्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। यही क्रिया नेप्थिलीन की गोलियों में होती है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो ऊर्ध्वपातन क्रिया है ना, ये आप जानते होंगे कपूर जो आपके घरों में जलाया जाता है, पूजा जब होता है किसी चीज़ की पूजा होती है जलाया जाता है कपूर, तो कपूर में भी ये क्रिया होती है। कपूर को अगर जो खुला छोड़ दिया जाए वातावरण में, उसमें भी यही क्रिया होती है और डायरेक्ट हवा में उड़ जाता है। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, इसी का बी नंबर, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुँच जाती है। अगर जो कोई व्यक्ति इत्र लिया हुआ है तो हम अगर दूर बैठे हुए हैं तो भी हमको एक सुगंध आएगी इत्र की, जो है हम थोड़ा दूर ही क्यों ना बैठे हों, तो क्या कारण होता है इसका। तो इसका कारण होता है बी नंबर का कारण देखिए, इत्र एक वाष्पीकृत द्रव होता है। वाष्पीकृत द्रव का अर्थ क्या हुआ कि वह सामान्य ताप पर अर्थात वातावरण के ताप पर ही वह वाष्प बन जाता है, उसको किसी भी ज़्यादा वाष्प की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा ताप की ज़रूरत नहीं होती, वातावरण के ताप पर ही वाष्प बन जाता है। तो आगे देखें, जो तेजी से वाष्प में बदल जाता है तथा वायु के कणों के साथ मिलकर सभी दिशाओं में तेजी से विसरित हो जाता है। विसरण किस में होता है, विसरण गैसों में होता है, गैसें एक स्थान से दूसरे स्थान जाती हैं तो उस विधि को क्या बोलते हैं, उस विधि को बोलते हैं विसरण। ठीक, विसरित हो जाती है, यही कारण है अर्थात फैल जाती है, यही कारण है कि इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी हमारे पास तक पहुँच जाती है। अर्थात हम आपको बता दें कि जो गैस के कण होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं और बहुत तीव्र के साथ गति करते हैं, तो जो वाष्पीकृत पदार्थ होते हैं उनके कण दूर दूर होते हैं और बहुत तेजी से गति करते हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो आसानी से पहुंच जाते हैं वातावरण में हवा के साथ।
हम थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करके आपको बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, क्योंकि साइंस कोई रटने वाली चीज़ नहीं होती है, उसको समझा जाता है, रट के आप 1, 2, 3, 4 दिन ज़्यादा से ज़्यादा याद किए रह सकते हैं, उसके बाद भूल जाएगी। इसलिए अगर जो साइंस को पढ़ के चलेंगे, समझ के चलेंगे, तो आपको हर दम के लिए आपके माइंड में वो चीज़ें बैठ जाएंगी। तो आप इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और अपने दोस्तों के पास तो ज़रूर शेयर कीजिए, आप चैनल की मदद कीजिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए ताकि हम आपको फ्री में इसी तरह की वीडियो उपलब्ध करवाते रहें। अगला प्रश्न है, 4th नंबर देखिए, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार, आकर्षण बल के अनुसार व्यवस्थित करें। तो इनको किस में लगाना है, आकर्षण में बढ़ते क्रम में लगाना है, अर्थात सबसे पहले उस पदार्थ को रखना है जिसके कणों के आकर्षण बल बिल्कुल ही, जिनके कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत कम होता है, उसी तरह से आगे बढ़ते चलना है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, जल दिया हुआ है, चीनी दी हुई है, इसको शक्कर बोलते हैं, और ऑक्सीजन दिया है। ऑक्सीजन एक गैस होती है, तो गैस के देखिए गैस जो होता है, इसमें आपका उत्तर है ऑक्सीजन, उसके बाद जल, उसके बाद चीनी। तो ऑक्सीजन जो होता है एक गैस होती है, और गैस के जो कण होते हैं उनके बीच में जो अंतराणुक बल होता है, आकर्षण बल होता है दो कणों के बीच में, जैसे दो कण हुए, इनके बीच में जो एक दूसरे को खींचने का, आकर्षित करने का बल होता है बहुत कम होता है, इसलिए वो एक दूसरे को नहीं खींच पाते, नहीं आकर्षित कर पाते, और बहुत ही तेज़ी से गति करते हुए वातावरण में फैल जाते हैं। 2nd नंबर देखिए, जल, तो जल के जो अणु हैं अर्थात द्रव, जल अर्थात द्रव, तो द्रव के जो अणु होते हैं वो गैस की अपेक्षा उनके बीच में थोड़ा सा बल ज़्यादा होता है उनके कणों में, समझने के लिए बता दें, उनमें अर्थात समझ लीजिए देसी भाषा में, उनमें ताकत ज़्यादा होती है एक दूसरे को खींचने के लिए, तो वो इतने कमज़ोर नहीं होते हैं कि एक दूसरे से अलग हो सके, है ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा ताकत होती है, और इतना भी ज़्यादा नहीं होते कि वो संभाल सके, इसीलिए वो भी अगर जो उसको भी छोड़ दिया जाए तो वो भी बहने लगता है, है ना, तो उनके बीच में भी बहुत ज़्यादा आकर्षण बल नहीं होता। सबसे पहले आप रखेंगे ऑक्सीजन को सबसे कम आकर्षण, और उसके बाद उससे ज़्यादा जल में होता है, फिर उसके बाद चीनी में होता है। चीनी क्या होती है, ठोस होती है, तो ठोस के बीच में अंतराणुक बल इतना ज़्यादा होता है कि उनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है, क्योंकि उनके बीच में जो उनके जो अणु के बीच में आकर्षण बल होता है, खींचने की शक्ति होती है इतना ज़्यादा होती है, एक दूसरे को चिपका के रखते हैं आपस में, जैसे ये हुआ, ये एकदम चिपका के रखते हैं, जैसे अगर जो ये ठोस का हुआ तो ये द्रव का होगा इतने दूर दूर, ठीक, जब ये द्रव का हुआ तो गैस का कहाँ हो सकता है, गैस का इतने दूर दूर होता है, होते हैं कण, तो आप समझ लीजिए चिपक के एकदम रहते हैं ठोस के, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही समझ के पढ़िए और बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब आगे बढ़ते हैं 5th नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। 1st नंबर दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, तो हम समझ लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस सामान्य भाषा में बोलो तो आपके कमरे का ताप, सामान्य ताप जो कि वातावरण का होता है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो 25 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, जल द्रव अवस्था में होता है, जैसे आप देखते होंगे द्रव अवस्था में होता है, आप लोग उसको पीते हैं, है ना। उसके बाद देखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस कब होता है, जब आप लोग फ्रिज में रख देते हैं द्रव को, सॉरी जल को, जल को कहाँ रखते हैं, फ्रिज में। तो फ्रिज में रखने पर वो उसका हिमांक और उसका गलनांक, हिमांक का मतलब हिम का अर्थ होता है बर्फ, हिमांक अर्थात जल का बर्फ बनना, 0 डिग्री सेल्सियस में जल बर्फ बनने लगता है, ठोस होने लगता है। और अगर जो 0 से थोड़ा भी नीचे हुआ तो वह गलने भी लगता है, क्या होता है, गलने लगता है, इसलिए 0 डिग्री उसका गलनांक भी होता है, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक, फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही, उसका जल का कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अगर जो आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि एक द्रव का नाम बताइए जिसका गलनांक और हिमांक दोनों ही सेम होता है, दोनों ही एक ही अवस्था में होता है, तो क्या होगा, जल होगा, वो 0 डिग्री सेल्सियस में उसका गलनांक भी होता है और उसका हिमांक भी होता है, जम जम भी सकता है और वो गलने भी लगता है। और आगे आगे देखते हैं अगला नंबर कि 100 डिग्री सेल्सियस, सी नंबर क्या दिया है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस में जब जल को गर्म किया जाता है तो वह क्या होता है, तो वह उबलने लगता है, उसको क्या बोलते हैं, क्वथनांक, क्वथनांक पॉइंट। क्वथनांक जल का कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसी अवस्था में जल क्या होने लगता है, वाष्प में परिवर्तित तो होने लगता है, और वाष्प में परिवर्तित तो होकर वह उड़ने लगता है जब ज़्यादा गर्म किया जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस ताप दिया जाता है, तो क्या होता है, उबलने लगता है और वाष्प में परिवर्तित होने लगता है।
छठवां नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों आपसे, हमने पुष्ट हेतु कारण दे दिए, जो आपका प्रश्न दिया हो उसका क्या देना है, कारण बताना है। फर्स्ट ए नंबर देखिए, ए नंबर, जो जल कमरे के ताप पर द्रव होता है, कमरा का ताप कितना होता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, आप मान लीजिए वातावरण का तापमान जो होता है, तो क्या होता है, द्रव होता है, क्यों होता है। तो देखिए, जल कमरे के ताप पर द्रव है क्योंकि इसका हिमांक, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं, हिमांक यानी जमने का पॉइंट जब बर्फ होने लगता है, बर्फ अवस्था में होने लगता है, कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। तथा क्वथनांक, क्वथनांक अर्थात उबलने का पॉइंट, वाष्प बनने का पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। साथ ही इसका निश्चित आयतन होता है, आयतन का मतलब आप क्या हुआ कि आप चाहे इसको जहाँ रख दीजिए, हर स्थान में, अगर जो एक स्थान में जितना घेर रहा स्थान, दूसरे स्थान में भी उतना ही स्थान घेरेगा, ठीक, परंतु निश्चित आकार नहीं होता है, इसलिए जल को जिस बर्तन में रखा जाता है वह उसी आकार का हो जाता है। जैसे आप लोग ग्लास में रखते हैं तो ग्लास के आकार का हो जाता है, किसी भी दूसरे बर्तन में रखते हैं तो उस आकार का हो जाता है, ठीक। बी नंबर देखते हैं, बी नंबर है कि लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर क्यों ठोस होती है, क्यों उसका आकार ठोस होता है, द्रव क्यों नहीं होता है, या कि गैस क्यों नहीं होता है। तो बी नंबर देख लेते हैं, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है क्योंकि इसका गलनांक कमरे के ताप से बहुत अधिक होता है, इसको 25 डिग्री सेल्सियस में नहीं गलेगी, ये द्रव नहीं हो सकती कभी भी, है ना, लोहा, लोहा जो होता है इसके लिए बहुत ज़्यादा ताप चाहिए होता है, क्यों होना चाहिए इसको, इसके लिए बहुत ज़्यादा ताप, क्योंकि इसके कणों के बीच में इतना तगड़ा आकर्षण बल है कि इनको दो, इन कणों को अलग करने के लिए, इनके बीच के जो दो कण है, जैसे जैसे दो कण ये चिपके हुए हैं ना, तो इनके बीच में इनको तोड़ने के लिए, इनके बल को कम करने के लिए, अलग करने के लिए बहुत ज़्यादा ताप की आवश्यकता होती है, तब ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से छूट जाते हैं और द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो आपका एक लाइन में आंसर क्या होगा कि लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस इसलिए होती है क्योंकि उसका जो गलनांक होता है वो बहुत ही अधिक होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आपको देखने में भी दिक्कत होगी, तो आप इस वीडियो को देखिए और कमेंट में बताइए कि आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप नंबर है 8435124142 84 35 12 41 42, ठीक, इसमें आपको इसी संबंधित फ़ोटो या PDF उपलब्ध करवाई जाती है फ्री में, तो आप ज्वाइन कीजिए। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो लगा कैसा, ठीक। तो यदि आपको अच्छा लगता है ऐसा मेथड, समझाने का मेथड, तो हम आपको जल्द ही अगला वीडियो उपलब्ध करवाएंगे, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि व्हाट्सएप में बताइए, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल में जोड़िए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।